लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि इसका ये घुटना जो है ना ऐसे घुटने के ऊपर रख ले, एक किस्म का एक्सटैंड बन जाता आपके लिए ना। तब ये देखें ये जो है ना ऊपर से ये पूरी लेयर ऊपर से ये हमने काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस वक्त रोज़ाना शाम को मैं अपने फॉर्म पे आता हूँ, ये तकरीबन कोई 5 से 7 बजे, ये तो मस्त होता है, मैंने 2 घंटे देने ही देने। इसमें जैसे ये छोटे बच्चे हमारे, इनका फीडिंग टाइम होता है तो वो पास खड़े होकर इनको फीड करवाना होता है। मुलाजिम बाज का किसी को ज़्यादा दूध पिला देते हैं तो वो या किसी को कम, वो सारा आउट हो जाता है। ये हमारी सारी बकरियाँ हैं, अभी ये चराई से वापस आई हैं तो कुछ बैठी हुई हैं, कुछ थकी हुई हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे देखा है कुछ बकरियों के नेल्स काफ़ी बड़े हुए हैं खुर, डेफिनेटली इनके नेल्स को प्रॉब्लम होगा तो ये बीमार होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो तो चलने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, अदर इश्यूज भी आ सकते हैं। तो अभी हमारी आज एक बूढ़ी सी बकरी है, सबसे हम उसी से पहले शुरू करते हैं। बकरी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बहुत अच्छी बकरी है, इस हवाले से कि इसके बच्चे बहुत बीमार से होते हैं, दूध भी ठीक होता है। अभी फिर दोबारा क्रॉस हो गई ही है, इवन 2 मंथ्स की क्रॉस है, तो अब इसको थोड़ा सा स्पेशली इसकी चराई हमें बंद कर देनी है ताकि ये थक जाती है। तो अभी इनके इसके नेल्स देखते हैं, और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो सिंपली एक चाकू ले लेता होता हूँ, एक चाकू चाहिए होता है सबसे मेन इसमें जो है, एक अच्छा सा चाहिए, और उसको फिर ये पत्थर जो रहती है इसके ऊपर इसको तेज करके बस स्टॉप कर देती है। इसका आसान तरीका ये है कि इसका ये घुटना जो है ना ऐसे घुटने के ऊपर रख ले, एक किस्म का एक्सटैंड बन जाता आपके लिए ना। तब ये देखें ये जो है ना ऊपर से ये पूरी लेयर ऊपर से ये हमने काट देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से यहाँ से वैसे तो ये लोग यहाँ मिल जाते हैं नेल्स बनाने वाले, लेकिन वो अच्छे वाले पैसे ले जाते हैं इस छोटे से काम के। यानी बड़ा एहसान करेंगे मेरे ऊपर तो कभी कहेंगे चले जी बाकी हम लोगों से 500 रुपया लेते हैं एक जानवर की खुर बनाने का, आज ही 300 दे दें। मेरे पास तकरीबन 50 जानवर हैं, तो 50 जानवर के हिसाब से मैं जो है इनको कम अज़ कम 10-12 हज़ार रुपये दे के भेजूँगा। और ये प्रैक्टिस एक दिन की तो है कोई नहीं, ये हर 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद करने पड़ते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें थोड़े ऐसे बाद दोबारा कर जो लें, बस ये देखें ये चीज़ देखने थी, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, बराबर हो गई है बस इसको छोड़ना, वरना तो इसको बहुत और भी काटा जा सकता है लेकिन ये बहुत है। तो ये जी अगले पाँव के बाद जब पिछला पाँव बनाने का आसान तरीका होता है कि ये इसकी टांग जो है ना दोनों टांगों को दरमियान से पकड़ लें, यहाँ से ऐसे काबू हो जाती है और फिर हिलती नहीं है। देखिए कितने ज़्यादा नेल्स इसके ख़राब हैं। तो ये हम यहाँ से थोड़ा सा ये इस ग्लव्स पहनने का ये फ़ायदा होता है, खुदा ना खासा चाकू काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि अगर आपके हाथ से कहीं टच हो भी जाए ना तो थोड़ा बचत हो जाती है, वरना और वैसे भी हाथ थोड़े गंदे भी कम होते हैं। तो इसकी कोशिश करें जब भी कोई ऐसा कभी काम करें तो आपके पास सेफ्टी मैयस का थोड़ा ख्याल रखें। देखें तकरीबन ये बराबर हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे डिटेल नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से ऐसी टांगों में लेके वो नेल भी बन जाएगा पिछला भी और अगला जैसे पहले बताया था। तो ये जी बहुत ज़रूरी है, तो जो लोग भी बकरियाँ रखते हैं उनको चाहिए ये 2-3 माह के बाद ये खुद ही सीखे, क्योंकि ये थोड़ी बचत भी है और बहुत बात कारीगर टाइम पे नहीं मिलता तो आप लेट करते रहते हैं, हर 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद ये चेक करते रहते हैं। चलें जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।